विधायक जी, आप भाजपा छोड़कर अभी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, क्या वजह रही कि आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा आपको? कई वजह थी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य राज्य सरकार के फेलोरनेस भी है, किसान और बेरोजगारों से किए हुए वादे से मुकरना भी है, झूठी मार्केटिंग करना, और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक रसना से जो हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी ने ब्लैक लिस्टेड किया उनकी फर्म को, और ब्लैक लिस्टेड करने के उपरांत साल भर में ही ग्रीन लिस्टेड किया, और फैजाबाद बाईपास से लेकर गोरखपुर और महाराजगंज तक 3,000 करोड़ का काम दिया हुआ। तो जो काम दिया इससे पहले तो उनसे बड़ा खटपट रहती थी, लेकिन क्या जब वो वजह रही सांसद कि थे उस समय रसड़ा में आए थे तो नाथ बाबा के मंदिर? नाथ बाबा के मंदिर पर योगी जी का कार्यक्रम था तो उनका मंच उखड़वा के उन्होंने फेंकवा दिया था, ऐसा मैं सुना था, मैं गया नहीं था। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से योगी जी ने इनके फर्म को काली सूची में डाली, और इन्होंने फिर योगी जी को मैनेज किया। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ कि आखिर योगी जी को कैसे मैनेज किए, और योगी जी इतना खुश हो गए कि 3,000 करोड़ का काम दे दिए। योगी जी ने इतना ही नहीं किया, हम कार्यकर्ता के लिए 302 में ट्रायल पर हैं हम लोग, जिला मंत्री भाजपा का मारा गया था ओबीसी का, उसके मुकदमे को बदल दिया पुलिस ने, तो हमने प्रदर्शन कराया नगरा थाने पर, उसमें पुलिस ने फायरिंग कर दी, 2 कार्यकर्ता मेरे मरे, 24 लोगों को गोली लगी, कई 100 लोगों को लाठी डंडे लगे, और हम ही लोगों को 302 का मुलजिम बनाकर 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजमगढ़ में हम लोग लगभग 3 महीना जेल में रहे, आज भी हम लोग एमएलए एमपी कोर्ट में उस मुकदमे में ट्रायल में हैं। 2004 से लेकर 18 मार्च की घटना है, 2021 है, 17 बरस से मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं। ये सत्ता पक्ष में रहते हुए भी आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए, क्यों? ऐसा क्यों, क्या ऐसी वजह रही कि अब ये आप? जो बात बता रहा हूं इसको पूरे ध्यान से आगे बढ़ाइए और सुनिए। इतने नहीं उन्होंने किया, हम लोग मुलजिम हैं आज भी, जो बसपा के विधायक मेरी ही सीट पर हैं जिनको 3,000 करोड़ का काम दिए, उनके ऊपर उन्होंने हरिनारायण राजभर भाजपा के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद के बेटे के देव कंस्ट्रक्शन के खाते से दस्तखत करके 58 लाख रुपया निकाल लिए, डबल अकाउंट था। उन्होंने कंप्लेन किया और सीबीसीआईडी ने जांच की, और सीबीसीआईडी ने चार्जशीट लगा दिया कि ये पैसा निकाले हैं ये लोग, और उस चार्जशीट का वारंट घूमता रहा, और योगी जी की सरकार में भी वो हाउस में रोज बैठते थे। एक वांटेड आदमी हाउस में बैठता था, कानून का शासन कहाँ रह गया? इसके बाद योगी जी ने उनका मुकदमा वापस ले लिया। बसपा के विधायक का मुकदमा क्यों वापस लिए, और भाजपा के उसी सीट से मैं विधायक रहा हूं, मैं 22 कार्यकर्ताओं के साथ 302 में ट्रायल पर हूं, और इसके अलावा भी आंदोलन में 100 से ऊपर कार्यकर्ता हमारे मुकदमों में फंसे हुए हैं उस क्षेत्र के, और योगी जी ने अपना भी मुकदमा 29 वापस ले लिया। तो जब मेरे क्षेत्र के विधायक का बसपा वाले से इनको इतना प्यार हो गया, तो खड़ा होने की कहाँ जगह छोड़े हम लोगों को, कैसे क्षेत्र में हम लोग मुंह दिखाएं कि दूसरे की घर के लोग आकर इस घर के मालकिन बन गए? आखिर मालकिन में कौन ऐसा गुण है कि मालकिन चाबी ले ली? और तो और
जोगी जी ने भी 2800 करोड़ का काम बनारस में दिया है अभी एक हफ्ता पहले, 2800 करोड़ का, तो लगभग 6000 करोड़ का काम आपने दे दिया जो मंच उखड़वाया था, और फिर उससे कमाएगा 6000 करोड़ में 1200 करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपया रसाना में बांट करके फिर चुनाव जीत जाएंगे। यही होता रहा है, 10 बरस की कमाई है उनकी, कम से कम 20000 करोड़ की पूंजी है और इन्हीं नेताओं के तिकड़म से पैसा इकट्ठा हुआ है। क्या कारण है कि जोगी जी इस स्वभाव के ठेकेदार को इतना काम दे रहे हैं और ग्रीन लिस्टेड किए? यह बात समझ से परे हो गई और इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ बगावत करना मेरा राजनीतिक धर्म हो गया, क्योंकि मैं 13 वर्ष का था, इमरजेंसी में भी जेल घूम आया था, मैं जुर्म कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी साझा सरकार भाजपा बसपा की जो 2002 में बनी थी, उस सरकार में भी जब मेरे एक कार्यकर्ता पर जुर्म हुआ तो मायावती जी एक पक्ष हो गई, मैं खड़ा हुआ तो, और जनता के बल पर उनको इस्तीफा देने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। और भारत के इतिहास में पहली घटना है कि किसी गरीब के सवाल पर कोई सरकार गिरी और वो भाजपा बसपा की गिरी 25 अगस्त 2003 को। लोग सरकार गिराए हैं मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए देश में, लेकिन हमने गरीब की मर्यादा पर बनाया है, यह भारत के इतिहास में मील का पत्थर होगा।